बच्चों, अभी आप चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं और आगे हम समानांतर चतुर्भुजों के बारे में बात करेंगे। समानांतर चतुर्भुज के कुछ गुणों को हम प्रमेय के माध्यम से सिद्ध करेंगे, लेकिन प्रमेयों में जाने के पहले हम कुछ छोटे छोटे प्रयोग भी करके देख सकते हैं कि जो गुण हम देखने जा रहे हैं वो क्या सत्य हैं अथवा नहीं। देखिए, आपके सामने एक चतुर्भुज आपको दिखाई पड़ रहा है और इसमें आप नाप के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, वैसे ये कोण इस कोण के बराबर है और एक चतुर्भुज की आकृति बन रही है। और चतुर्भुज में कुछ गुण जो आगे आप देखने वाले हैं, उन गुणों के आधार पर आप पाएंगे कि यदि किसी चतुर्भुज में समांतर भुजाओं के दोनों जोड़े बराबर हैं, ये दोनों रेखाएं बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, तब समानांतर चतुर्भुज होगा। एक गुण आप और देखेंगे वो ये कि किसी चतुर्भुज में यदि आमने सामने के भुजाओं के जोड़े समानांतर, यानी ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं, ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं, तब भी समानांतर चतुर्भुज होगा। ऐसे कुछ गुण आप समानांतर चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। एक बात और आप देखने वाले हैं, एक चीज़ और आप देखेंगे वो ये, इनके विकर्णों से संबंधित है। ये समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण उन्हें दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटते हैं। तो इसको हम प्रयोग के आधार पर करके देखते हैं कि जो बात कही जा रही है, सोची जा रही है, वो सत्य है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं समानांतर चतुर्भुज है और उसके दो शीर्षों को मिलाकर हमने एक विकर्ण खींचा है। तो इस विकर्ण के साथ हम दोनों बने हुए त्रिभुजों को दो हिस्सों में बांटते हैं, यानी विकर्ण के सापेक्ष हम इसे दो बराबर भागों में बांटते हैं और देखते हैं कि क्या इससे बनने वाले दोनों त्रिभुजों में कोई संबंध है। तो हम थोड़ी सावधानी के साथ इसे काट रहे हैं और कोशिश करते हैं कि ठीक ठीक दो हिस्से इसके हो जाएं और फिर देखेंगे उन दोनों हिस्सों में क्या गुण बराबर हैं। और जो हम बात कह रहे थे चतुर्भुज के भुजाएं आमने सामने के बराबर हैं कि नहीं, वो भी हम देख लेंगे। और भी जो गुण हो सकते हैं समानांतर चतुर्भुज के, उनको भी इस माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें कितनी सही हैं भी कि नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमने इस चतुर्भुज को, जिसे हम समानांतर चतुर्भुज कह रहे हैं, उसके एक विकर्ण के सापेक्ष दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश है कि ये जो विकर्ण है उसके ठीक बीच से हम उसे दो बराबर भागों में बांटें। अब देखिए, ये समानांतर चतुर्भुज था, इसे विकर्ण के सापेक्ष हमने दो बराबर हिस्सों में बांटा और हम देखना चाहते हैं कि यार दोनों हिस्से बराबर हैं। आप इसे इस तरह से घुमा लें और एक बार घुमाएं तो ये जो सामने ऊपर की भुजा थी, ये वाली भुजा, वो नीचे आ रही, देखिए ये आ रही नीचे, और जो दाहिने हाथ तरफ भुजा थी जो इसके सामने थी, वो अब इसके सामने है। अब इनको हम एक दूसरे के ऊपर रख के देखें, ये देखिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ठीक ठीक ढक रहे हैं, यानी दोनों जो टुकड़े थे वो एक दूसरे के ठीक ठीक बराबर हैं। आप देख रहे हैं ये वाली भुजा दूसरे त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, मतलब दोनों भुजाएं एकदम बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। तो जो आमने सामने की भुजाएं थी वो आपस में बराबर हैं और ये जो भुजा थी आमने सामने की भुजाओं के एक जोड़ा, ये भी आपस में बराबर है और विकर्ण भी बराबर हैं। यानी ऊपर वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं नीचे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के ठीक ठीक बराबर है, यानी दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रहे हैं। आप कह सकते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अब आप देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। इससे क्या होता है, अगर दोनों कोण बराबर हैं, अब इन्हें आप घुमा लीजिए, इस तरह से घुमाइए और वापस लाइए, तो आप देख रहे हैं जो हमारी मूल आकृति थी उसमें आपने इस कोण को इस कोण के बराबर देखा है, अभी बराबर देखा है। और आप देख रहे हैं कि यदि हम इसे एक तिर्यक रेखा माने और इसे दो रेखाएं माने जिन्हें तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों कोण एकांतर कोण का रोल निभाते हैं, एक दोनों कोण एकांतर कोण बनाते हैं। चूंकि ये बराबर हैं, आप फिर से एक बार नाप सकते हैं, इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण से हम मिलाकर देखें, देखिए बिल्कुल बराबर है एक दूसरे के, यानी जो एकांतर कोण बना रहे हैं, कोण जो एकांतर
स्थिति में है और एकांतर कोण बना रहे हैं वो दोनों बराबर हैं। इससे पता चलता है कि दोनों भुजाएं समानांतर भी हैं। अभी आपने कहा बराबर थे और अभी आप कह रहे हैं कि इन कोणों के कारण समानांतर है। ठीक इसी तरह से यदि आप इन दोनों कोणों के बारे में बात करें और इनको भी मिला के देखें, देखिए इस कोण को मैं यहाँ लेके जाता हूँ, गौर से देखें दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर ढक रहे हैं, ये देखिए, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। अब वापस मैं इसे हिलाऊं और आप देखिए ये दोनों रेखाएं हैं जिन्हें ये तिरेक रेखा काट रही है, तो ये दोनों एकांतर कोण है और बराबर हैं। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं भी आपस में समानांतर हैं। तो इस तरह से आप इस छोटे से प्रयोग के माध्यम से देख सकते हैं कि जो समानांतर चतुर्भुज है उनमें ये रेखाएँ समानांतर भी हैं, ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये विकर्ण इनको दो बराबर और सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। तो ये एक विकर्ण का गुण था जो समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर हिस्सों में बांटता है और उसके कुछ गुणों को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों ये तो एक छोटा सा प्रयोग था, इसके माध्यम से हम थोड़ा समझ पाते हैं कि जिसे हम समानांतर चतुर्भुज कह रहे हैं उसके भुजाओं में और कोणों में क्या क्या संबंध होते हैं। लेकिन अभी जो कुछ आपने देखा या कहा वो सिद्ध होना नहीं हुआ। इसे हम सिद्ध करने के लिए अपने सैद्धांतिक तरीकों का प्रयोग करेंगे और आगे आप इसे प्रमेय के रूप में देखेंगे। तो चलिए आगे इन्हीं बातों को हम प्रमेय के माध्यम से सिद्ध करते हैं।